देन द रीन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो किसने लिखा था तो वो था सबासद बखर तो आपको ये जो है यहाँ पर ये रॉन्ग है ये एम्पर बाबर जो लिखा है वो कट करके आपको सबासद बकर लिखना है और ये जो है ये किसने लिखा था कृष्णा जी अनंत सबासद तो आपको यहाँ पर कृष्णा जी अनंत सबासद लिखना है और एम्पर बाबर के जगह पर सबासद बखर लिखना है देन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो कल्हाना ने लिखा था और वो बुक का नाम क्या है राज तरंगी सो so फर्स्ट आपको समझना है कि फर्स्ट जो दिया है उन्होंने बॉक्स में उसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है अबाउट द बुक दूसरे में उन्होंने क्या दिया है नेम ऑफ राइटर और तीसरे में आपको बताना है बुक का नाम एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफ सो फर्स्ट वन इज यूरोपियन स्कॉलर क्यूरियस अबाउट वॉट अबाउट सिविलाइजेशन तो उनको हमारे यहाँ पर आदर और सम्मान और उनको क्यूरसिटी थी किस चीज के बारे में सिविलाइजेशन के बारे में एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट ईस्ट यानी ईस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड जिसमें आता है इंडिया दिस स्कॉलर्स वेर नोन एज ओरियंटेलिस्ट ये जो स्कॉलर्स थे जिनको आदर सम्मान और क्यूरसिटी थी ईस्ट सिविलाइजेशन की तो उनको क्या कहते थे हम ओरियंटेलिस्ट वट डिड दे डू

ऑफ हितोप्रदेश ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी है तो ये पॉइंट आपको तो लर्न है देन आपको सिर्फ याद रखना कि ही द एडिटर ऑफ फिफ्टी वॉल्यूम्स ऑफ द सेक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट यानी पवित्र किताबे ईस्ट की एंड यू ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेद एंड ट्रांसलेटेड ऋग्वेद इन जर्मन सो वेरी सिंपल आंसर टू लर्न देन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एज वी हैव स्टडीड दैट नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्यों था टू रिस्टोर द प्राइड इन एंशियट ग्लोरी ऑफ इंडिया विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ये हमने पहले ही पहले आंसर में लर्न कर लिया है ही क्रिटिसाइज द प्रिजुडाइज हिस्ट्री ये भी है आपके इसमें कि उन्होंने जो प्रेजुजाइज था ब्रिटिशर्स का अबाउट एंशियट इंडिया जो ब्रिटिश ऑफिसर्स लिखते थे तो उसको हमने क्या किया नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स ने क्रिटिसाइज किया विरोध किया तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के जो नाम है आपको वो याद रखने वीके राजवाडे जी आपको पता है विनायक दामोदर सावरकर जी का भी हमने नाम लिखा है नए नाम जो है अभी हमें याद करने हैं वो है महादेव गोविंद रानाडे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एंड राजेंद्र लाल मिश्रा ियोग्राफी की वजह से क्या हुआ क्या हेल्प मिला हमें ट्रिगरिंग ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हमें स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें हमें मोमेंटम मिला अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड गेंड मोमेंटम विथ राइटिंग रीजनल हिस्ट्री रीजनल हिस्ट्री यानी राइटिंग अबाउट महाराष्ट्र और सम सिटी और इंडिया ये रीजनल हिस्ट्री पर्टिकुलर एरिया के लिख कर क्या होता है कि लोगों को एक आत्मसम्मान जागता है एंशियट ग्लोरी पता चलती है उनका प्राइड रिस्टोर होता है सेल्फ स्टीम भी बढ़ जाता है सो दैट वॉज द मेन रीजन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी लिखी गई थी थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू